नमस्कार, मैं हूं अजय चोपड़ा, शेफ अजय चोपड़ा। आज शेफ वाली डिश बनाते हैं घर पे, पीटा ब्रेड एंड फलाफल। अरेबिक है, वेज है, चने से बनती है, बहुत टेस्टी लगती है। अगर जिन्होंने ट्राई किया है उन्हें तो मतलब दे आर क्रेजी अबाउट इट, और जिन्होंने ट्राई नहीं किया है ये भैया बहुत मजे की चीज है। दुबई आप अगर घूमने नहीं गए हो तो आज घूम लो हमारे साथ, फलाफल और पीटा खाएंगे बढ़िया दुबई स्टाइल। चलिए, अब ये जो ब्रेड है पीटा ब्रेड, मतलब क्या है पीटा है किसी ने इसको, नहीं नहीं पीटा वाला वैसे वाला पीटा नहीं है, ये है पी आई टी ए ब्रेड, पीटा नाम है इसका। और ये सॉफ्ट रोल जैसी ब्रेड जो है बिल्कुल बनाते हैं, रोटी जैसी फूली फूली बनती है। कई जगह पे इसमें थोड़ी सूजी जाती है, कई जगह में आटे की हस्क जाती है, कई जगह पे सिर्फ प्लेन मैदे की बनती है। तो हम प्लेन मैदे की बनाएंगे। और जो ब्रेड बनाने का तरीका होता है ना, ईस्ट में चीनी डाल के उसे थोड़ी देर उठाना है और फ्लार में नमक डालना है। बेसिकली पीटा इज अ वेरी सॉफ्ट डो, तो ईस्ट में ल्यूक वार्म वाटर, थोड़ी सी चीनी और ईस्ट, इसे डाल के 8-10 मिनट छोड़ दो। पानी ज़्यादा गर्म हुआ तो ईस्ट काम नहीं करेगा, पानी ठंडा हुआ तो काम नहीं करेगा। अब इसे मिलाएंगे इस डो में और बना देंगे सॉफ्ट स्मूथ बढ़िया सा पीटा ब्रेड का डो। वैसे इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि अगर आप मिडल ईस्ट में जाएंगे ना तो वहाँ पे तरह तरह की ब्रेड्स बनती हैं, बिल्कुल वैसी जैसे इंडिया में बनती हैं, और उनका टेक्सचर बहुत बहुत सिमिलर होता है। कुछ ब्रेड्स रुमाली रोटी से सिमिलर होती हैं, कुछ ब्रेड्स नान जैसे सिमिलर होती हैं, लेकिन बहुत सारी ब्रेड्स बनाई जाती हैं। ब्रेड्स के साथ जो मीट खाने का फैशन है वो एक्चुअली ईरान पर्शिया से ही आया था और हमने भी उन्हीं से सीखा। अब ईस्ट के बाद पानी डाल के बढ़िया से डो, सॉफ्ट डो गूंद रहा है, बहुत हार्ड नहीं होना चाहिए, हार्ड होगा तो पीटा ब्रेड जो है ना वो बड़ी डेंस बनेगी। सो यू हैव टू मेक अ सॉफ्ट डो और फिर इसे 1.5 घंटा रेस्ट करना है। अब रेस्ट गीला कपड़ा लगा के इसे बढ़िया से राइज होने देंगे और फिर उसके बाद उसे करेंगे नॉक बैक, यानी कि वापस से मुक्के मार के उसके बनाएंगे पीटा ब्रेड। तो ये जो आधे घंटे बाद डो जो है एकदम हो गया सॉफ्ट, यानी कि राइज हो गया ये। अब इसे लपेटा जाए, इसे कहते हैं नॉक बैक, यानी कि जो हवा डो के अंदर भरती है उसे वापस निकालते हैं। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि जब ब्रेड राइजिंग होती है यानी कि प्रूव होती है तो उसके अंदर आड़े टेढ़े ऐसे वेब्स बनते हैं, तो उसे एक बार जब वो बनते हैं तो वापस से दबाया जाता है और फिर वापस से रोल किया जाता है, तो तब इवनली। लेकिन यहाँ पे हम ब्रेड नहीं बना रहे, यहाँ बना रहे हैं पीटा ब्रेड, तो यानी कि वो रोटी की तरह बनेगी, फूलेगी जरूर लेकिन अवन के अंदर। अब कोई भी डो कटर, अगर ये नहीं है तो बड़ी कटोरी भी चलेगी, इससे काट लो, और अगर बड़ा बनाना है तो रोटी जैसा बेल लो, उससे बड़ा बनाना है तो 1 किलो का केकरिंग से काट लो, चॉइस इज योर्स। अब इनके ऊपर भूल के भी ना वो फोर्क से पोक मत करना, बिकॉज नहीं होगा। चलिए अब ये पीटा ब्रेड को पकाया जाए अवन में। कन्वेक्शन मोड पे 200 डिग्री यानी कि हाई हीट और कम से कम 6-7 मिनट। ये छोटा अवन है इसलिए 2 मिनट के अंदर बढ़िया प्री हीट हो जाता है। बड़ा अवन होगा उसे 10 मिनट के लिए प्री हीट करिए और फिर प्री हीटेड अवन में पीटा ब्रेड को एकदम हॉट ओवन में डालेंगे तो बढ़िया से फूलेगा और फिर पीटा तैयार। फलाफल जो नाम है वो है चने की टिक्की। अब बनती कैसे है, इसमें जाता है जी चना जो कि सोक किया हुआ है, उबला हुआ नहीं, सोक किया हुआ यानी कि हार्ड चना, और उसे क्रश किया जाएगा, साथ में डाला जाएगा ढेर सारा मिंट।
ढेर सारा पार्सले, पेपर, गार्लिक, सॉल्ट, फिर थोड़ा सा अनियन का पाउडर, थोड़ा सा गार्लिक पाउडर, ये सारे फ्लेवर एनहेंसर्स हैं। अनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर ना मिले तो कोई बात नहीं, गार्लिक हमने डाला ही है, आप गार्लिक थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, अनियन डाल दीजिए, वैसे अनियन ना भी डालेंगे तो भी चलेगा। पीसना नहीं है क्योंकि क्रश चाहिए, क्रश्ड पत्ती चाहिए। अब ये मिक्सचर है, इसमें जाएगा थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर। अब इसे बनाएंगे टिक्की और करेंगे फ्राई। इट इज एज सिंपल एज दिस। ये है फलाफल। अब फलाफल की जो टिक्की है वो टिक्की जैसी होती है, लेकिन आजकल नई नई शेप्स में भी फलाफल बनाया जा रहा है, तो चॉइस इज योर्स। आई एम गोइंग टू मेक अ पतली टिक्की। अब इसे मीडियम आंच पे कर दिया जाए फ्राई। क्रिस्प होनी चाहिए बिल्कुल, बाहर से अंदर से सॉफ्ट होगी, मजेदार होगी। 8 मिनट 200 डिग्री पे, ये देखिए बिल्कुल बढ़िया से तैयार। अब ये फुलके हैं, अरेबिक फुलके, फूले हुए मैदे की रोटियां जिसमें ईस्ट है। पीठा तैयार, फलाफल तैयार, अब इसके अंदर क्या लगे? माल, माल लगे बहुत कुछ, जो मन चाहे वो। वैसे ट्रेडिशनली हमस, हमस बनता है उबले हुए चने, तहिना पेस्ट यानी कि सेसमे पेस्ट, साथ में सॉल्ट, लेमन जूस, गार्लिक एंड हंग योगर्ट। अच्छी तरह से उसको चर्न कर लो, पेस्ट बना लो, बड़ी फाइन सी हमस, सॉल्ट एंड पेपरिका पाउडर, साथ में थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर, हमस तैयार। अब दूसरी चीज़ है तहिना पेस्ट, अगेन सेम चीज़, सेसमे का पेस्ट है, साथ में दही, सॉल्ट और भुना जीरा का पाउडर। ये तीसरी चीज़ है गार्लिक थूम, गार्लिक प्लस ऑयल प्लस मेयोनेज, गार्लिक थूम। तो ये तीनों चीज़ें मैंने तैयार कर रखी हैं क्योंकि लंबी रेसिपी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा मैं हो गया हूँ थक। तो अब बनाएंगे जी फलाफल पॉकेट। पॉकेट को एक साइड से काट लेंगे, इसमें लगाएंगे जी ये गार्लिक मेयो, गार्लिक थूम, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, बिल्कुल पतली सी पेस्ट। साथ में लगाओ जी बढ़िया सी फ्रेश क्रिस्पी लेटस, थोड़े से स्लाइस्ड टोमेटोज, क्यूकम्बर वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़े से अनियन के जूलियन और एक अमेजिंग सी प्यारी सी टिक्की। अब हमस में अगर आप बॉइल्ड बीटरूट डाल दो तो बीटरूट हमस हो जाता है, तो मेरे पास हमस भी है, बीटरूट हमस भी है, वो इसके साथ मैं सर्व करूँगा। पीटा ब्रेड के अंदर फलाफल भर दिया, लेटस भर दिया, टमेटो भर दिया, क्यूकम्बर भर दिया और साथ में ये बीटरूट हमस और साथ में थोड़ा सा रेगुलर भी हमस। नाउ कॉकटेल अनियंस गो रियली वेल, और साथ में थोड़ी सी चॉप की हुई पिकल्ड वेजिटेबल्स। टिकट टू दुबई विदाउट वीजा, घर पे बनाए बढ़िया सी पीटा। अरे वाह, मैंने फिर से पोएट्री करी, लेकिन मैं पोएट्री करता रहूंगा, आप जाके ये फलाफल और पीटा फटाफट बना लो, क्योंकि भैया मस्त है, मेरी मानो, बना लो।